किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने बुधवार को कलेक्ट्रेट का घेराव राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की अध्यक्षता में किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पूंजीपतियों की सरकार है और इस सरकार में किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को दिल्ली जाने से रोकेगी तो चुनाव के दौरान किसान भी उन्हें गाँव में नहीं घुसने देंगे। कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए BKU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र में जो सरकार है वह व्यापारियों और उद्योगपतियों की सरकार है, इसका किसान के हित से कोई मतलब नहीं है। 10 साल पुराने ट्रैक्टर पर रोक लगाने का निर्णय भी उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है, जिसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने BKU पदाधिकारियों को शांति से अपना आंदोलन करने की सीख दी और उपद्रव करने और उनकी निगरानी करने के लिए सतर्क भी किया। टिकैत ने पदाधिकारियों को चुनाव से दूर रहने के लिए भी कहा। उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा में पहले स्वतंत्र रूप से बोलने की आज़ादी लोगों को थी, लेकिन अब कोई खुलकर नहीं बोल सकता है। उन्होंने आगे कहा कि लाल कृष्ण अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं का हाल सबको पता है। मीडिया से बातचीत के दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार किसानों को दिल्ली जाने से रोकेगी तो चुनाव के दौरान किसान भी उन्हें अपने गांव में घुसने नहीं देंगे। इस दौरान धरना स्थल पर पहुंचकर मेरठ बार